तो मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को मोक्ष हुआ या नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा? आपका प्रश्न मैं दोहराता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि किसी का मोक्ष हुआ या नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा, ये पूछ रहे हैं? अब इसका उत्तर सुनिए। एक डॉक्टर को कोई दूसरा डॉक्टर ही पहचान सकता है या संगीतकार भी पहचान सकता है कि इसमें कितनी योग्यता है चिकित्सा की, ठीक है ना? तो एक डॉक्टर को डॉक्टर पहचानता है, एक संगीतकार को संगीतकार पहचानेगा कि इसकी संगीत में कितनी योग्यता है। तो एक व्यक्ति जो मोक्ष में जा रहा है, योगी है, तो उसको कौन पहचानेगा? योगी पहचानेगा। तो आप योगी बन लो, फिर पता लग जाएगा कि मोक्ष में गया कि नहीं गया, फिर पता चल जाएगा। आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसके बस का नहीं है, उतने से पता नहीं चलता। मोक्ष में कौन गया कौन नहीं गया उसकी पहचान बताता हूँ, कसौटी बता देता हूँ, पर पहचानेगा वही व्यक्ति जो खुद उस लाइन में चलता होगा, खुद एक्सपर्ट होगा उस लाइन में, वही पहचान पाएगा कि इसकी योग्यता इतनी बनी या नहीं बनी, वही पहचानेगा जो खुद उस लाइन में जानता है। तो कसौटी यह है कि जिसकी सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। क्या बोला? सांसारिक सुख भोगने की जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, जीरो पे आ जाएंगी, उसका मोक्ष होगा। ये पहचान है, ये शास्त्र में लिखी है, ठीक है? उसकी अविद्या खत्म हो जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो अब उसकी इच्छाएं खत्म हुई कि नहीं हुई, ये हर आदमी नहीं पहचान सकता। कोई योगी व्यक्ति पहचान सकता है कि इसकी इच्छा खत्म हुई कि नहीं हुई, कितनी बची हैं, कितनी क्या है, वो एक्सपर्ट आदमी पहचान लेगा, हर आदमी नहीं पहचानेगा। हाँ प्रिय जी, कोई और प्रश्न है क्या? बोलिए। सर,